पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी महिला सम्मान का ख्याल करते हुए कमलनाथ को पार्टी से बाहर करें। उन्होंने कहा कमलनाथ को एक महिला पर अभद्र टिप्पणी का खामियाजा चुनाव में देखने को मिलेगा। कमलनाथ के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कमलनाथ की आलोचना की। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने कमलनाथ के बयान के खिलाफ मौन धरना दिया। धरने में तमाम बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। कमलनाथ के आइटम वाले बयान से ग्वालियर चंबल इलाके में माहौल अब कमलनाथ के खिलाफ बना हुआ है। धरने के बाद बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा अगर कांग्रेस महिला हितैषी होने की बात करती है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तत्काल कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर करें। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कल जिस प्रकार से डबरा के अंदर नवरात्रि के पर्व पर जिस समय पूरा देश नहीं पूरी दुनिया शक्ति का अर्जन करके मां की आराधना करती है, नारी शक्ति का सम्मान करती है, उस समय कमलनाथ जी ने एक बहन इमरती देवी को जिस शब्दों का उपयोग किया है, उन्होंने भारत की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान किया है। दलित महिला के साथ जिस प्रकार का अपमान कमलनाथ ने किया है, कांग्रेस की उस मानसिकता का ये परिचायक है। हमने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर नारी शक्ति कमलनाथ जी और कांग्रेस आपको कभी माफ नहीं करेगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व हैं, कांग्रेस की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उनको जरा भी नारी का सम्मान इस भारत के अंदर लगता है तो उनको संपूर्ण देश से नारी शक्ति से माफी तो मांगनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कमलनाथ जैसे बेहुदे व्यक्तित्व को इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस से निकाल करके बाहर करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा बहुत आश्चर्य है कि ये कांग्रेस को हो क्या गया है कि कोई नेता महिलाओं को टंच माल बोलता है तो कोई आइटम बोलता है। इस प्रकार की घृणित राजनीति से आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई है और आने वाले कल में और हाशिए पर आ जाएगी। जिस प्रकार से दलित वर्ग की एक महिला नेता को उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का प्रयत्न किया, यह कांग्रेस की दलित विरोधी और महिला विरोधी जो चरित्र है उसका प्रकटीकरण। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि कांग्रेस को हो गया कोई कांग्रेस का नेता महिलाओं को टंच माल बोलता है, कोई महिलाओं को आइटम बोलता है। इस प्रकार की जो घृणित राजनीति है इसी से कांग्रेस हाशिए पर आई है और आने वाले कल में ये और हाशिए पर आएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।